हेलो एवरीवन, माय नेम इज फैज एंड स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। तो गाइस, जैसे कि हम सभी लोग जानते हैं कि कोरोना अब एक साल का हो चुका है। पिछले महीने उसका बर्थडे हुआ एंड तब से वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है गाइस। एंड महाराष्ट्र कंप्लीट लॉकडाउन है, पुणे कंप्लीट लॉकडाउन है एंड इंडिया में काफ़ी सारे स्टेट में लॉकडाउन लगने वाला है। इस समय हमको हमारे फैमिली का, हमारे फ्रेंड्स का, सबका ख्याल रखना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो गाइस, मास्क पहनना बिल्कुल भी मत भूलिए, सैनिटाइजर यूज़ कीजिए एंड सोशल डिस्टेंसिंग जरूर रखिए। सो गाइज, हमको ये जो टाइम मिल रहा है इसका बेनिफिट हमको अच्छे से उठाना चाहिए। आप अपने कामों में दिन भर लगे रहते हो एंड इस चीज़ की वजह से आपको प्रॉपर टाइम नहीं मिल पाता कि आप अपनी स्किन का ख्याल रखें। सो गाइज, अब आपको टाइम मिल रहा है तो अब आप आपके ग्रूमिंग के गेम के ऊपर कंप्लीट फोकस कर सकते हो, जिससे आपकी स्किन अच्छी रहेगी, आपके हेयर अच्छे रहेंगे एंड गाइज, आपकी पर्सनैलिटी भी इससे काफ़ी ज़्यादा डेवलप होगी। लेकिन गाइज, मैं पर्सनली केमिकल प्रोडक्ट्स में ज़्यादा बिलीव नहीं करता, क्योंकि ये केमिकल प्रोडक्ट्स लॉन्ग टर्म में आपके स्किन के ऊपर, आपके हेयर के ऊपर बिल्कुल भी अच्छे नहीं होते। वो आपके बालों को, आपके स्किन को डैमेज भी कर सकते हैं। सो गाइज, मैं बिलीव करता हूँ नेचर में एंड जितने भी चीज़ें मैंने आपको ऑलरेडी इस चैनल के ऊपर बताई है वो सारे नेचुरल इंग्रेडिएंट्स हैं। जितने भी फेस मास्क, जितने भी होम रेमेडीज़ मैं आपको इस चैनल के ऊपर बताता हूँ वो सारे नेचुरल चीज़ें होती है। सो गाइस, इस वीडियो में जो फेस मास्क मैं आपको बताने वाला हूँ उसके सारे इंग्रेडिएंट्स आपको आपके किचन में ही पड़े मिलेंगे। सो गाइस, आप इजीली इसे घर पे ही बना सकते हो एंड आपके फेस के ऊपर अप्लाई कर सकते हो, जिससे आप अपनी जितने भी डार्क स्पॉट है उसे रिमूव कर सकते हो। एंड गाइस, अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो करना, परेशान हो गए हम लोग 2.5 साल से। अगर आप कंसिस्टेंटली 2-3-4 महीनों तक इस फेस मास्क को प्रॉपरली हर हफ्ता अप्लाई करेंगे तो गाइज, आपके जितने भी डार्क स्पॉट है आपके फेस के ऊपर वो सारे रिमूव हो जाएंगे एंड वो सारी लड़कियां जिन्होंने आपको फ्रेंड जोन में ला के खड़ा कर दिया, चांसेस काफ़ी ज़्यादा है कि वो आपको रिलेशनशिप जोन में ला के खड़ा कर दे। लेकिन गाइज, इसके लिए आपका मुँह तो अच्छा होना चाहिए। सो गाइज, इस फेस मास्क को बनाने के लिए आपको रिक्वायरमेंट होगी मिल्क, बेसन, लेमन एंड टर्मरिक, जिसे हम हल्दी कहते हैं। आप लोग अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से सारी चीज़ें ले सकते हो। मैं लूँगा 3-5 टेबलस्पून मिल्क, 2-3 टेबलस्पून बेसन, 1 पिंच ऑफ हल्दी टर्मरिक एंड 4-5 ड्रॉप्स ऑफ लेमन एंड इन सारी चीज़ों का अच्छे से मिक्सचर बना लो एंड आप अपने फेस के ऊपर इसे प्रॉपरली अप्लाई करना एंड आपको ऐसे ही रखना है 15-20 मिनट तक, और 15-20 मिनट के बाद आप कोल्ड वाटर से इसे वॉश कर लेना। इस फेस मास्क को वॉश करते समय आप अपने फिंगर टिप से अपने फेस के ऊपर सर्कुलर मोशन में मसाज करना, जिससे आपका एक्सफोलिएशन भी हो जाएगा, क्योंकि बेसन में स्क्रबिंग की प्रॉपर्टीज होती है जो आपके फेस से ब्लैक हेड्स रिमूव कर देगा। आप लोग इस फेस मास्क को हफ्ते में एक बार डेफिनेटली यूज़ करना एंड आप कंसिस्टेंटली बेसिस के ऊपर 2-3 महीनों तक इसे प्रॉपरली यूज़ करना, आपके जितने भी डार्क स्पॉट है वो सारे रिमूव हो जाएंगे, क्योंकि बेसन में स्क्रबिंग प्रॉपर्टीज होती है। आपके फेस से जितना भी एक्सेसिव ऑयल होता है ये बेसन रिमूव कर देता है एंड आपकी स्किन ब्राइटन कर देता है। इसमें हमने मिल्क जो यूज़ किया, उस मिल्क में एंटी एजिंग प्रॉपर्टी होती है जो आपके फेस से डेड स्किन सेल्स रिमूव कर देता है एंड वहाँ पे न्यू सेल्स की ग्रोथ प्रमोट करता है। लेमन में एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी होती है और इसमें विटामिन सी काफ़ी ज़्यादा होता है जो आपके डैमेज स्किन को रिपेयर करता है एंड इसमें एंटी फंगल प्रॉपर्टीज भी होती है जो आपके इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस कर देता है। टर्मरिक जो हमने यूज़ किया उसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज होती है जो अपने फेस से एक्ने पिंपल्स को रिमूव कर देती है एंड जितने भी डार्क स्पॉट, एक्ने के स्कार्स जो आपके फेस के ऊपर है उन्हें रिमूव करने में आपकी हेल्प करती है। सो गाइज, ये सारे नेचुरल इंग्रेडिएंट्स है, आप इसे इजीली यूज़ कर सकते हो एंड आप खुद ही अपने फेस के ऊपर इसका बेनिफिट देख सकते हो। एंड गाइज, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना कि आपको ये फेस मास्क कैसा लगा एंड अगर आपको ये फेस मास्क पहले से पता था तो रहन दो फिर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, ताकि YouTube का एल्गोरिदम हर बार जब भी मेरी नई वीडियो आए तो आपके होम स्क्रीन के ऊपर उसे शो करेगा एंड आपके फ्रेंड में या फिर कोई फैमिली मेम्बर्स में किसी को डार्क स्पॉट का प्रॉब्लम है तो इस वीडियो को उनसे शेयर ज़रूर करना, ताकि वो भी उनके फेस का अच्छे से ख्याल रख सके। एंड गाइज, मेरे इंस्टाग्राम हैंडल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप मुझे इंस्टाग्राम के ऊपर भी डेफिनेटली फॉलो करना।
इट्स रियली अमेजिंग टू सी यू गाइस, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, अपने बड़ों का ख्याल रखना, स्टे सेफ, स्टे स्ट्रॉन्ग, स्टे सेक्सी बेबी।